नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे मैट्रिक परीक्षा को लेकर जारी हुई गाइडलाइन के बारे में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से मैट्रिक परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। खासकर यह गाइडलाइन कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, जिससे कि किसी भी छात्र या फिर उसके अभिभावक को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से परीक्षा केंद्रों पर सर्दी, खांसी एवं बुखार से पीड़ित परीक्षार्थियों को बैठने की अलग से व्यवस्था की जाएगी। बीमार परीक्षार्थियों को बैठने के लिए विशेष हॉल में व्यवस्था की जा सकती है, ताकि अन्य परीक्षार्थी संक्रमण से प्रभावित न हो सके। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि परीक्षा केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए। यह भी कहा गया है कि परीक्षा केंद्राधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि हर परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को कुल संख्या से 5% अधिक मास्क की व्यवस्था की जाए। अगर कोई छात्र मास्क पहनकर नहीं आता है तो उसे स्कूल की ओर से मुहैया कराई जाए। इसके अलावा परीक्षा शुरू होने से पहले सभी कमरों को सैनिटाइज किया जाए। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले भी सेंटर को सैनिटाइज करने की बात कही गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि एक बेंच पर 2 परीक्षार्थियों को बैठने की व्यवस्था की जा सकती है, ताकि शारीरिक दूरी से नियम का पालन जो है वो किया जा सके। अगर पर्याप्त संख्या में कमरे नहीं हो तो बरामदे में परीक्षार्थियों को बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा पंडाल लगाकर भी परीक्षार्थियों को बैठाया जा सकता है। इस गाइडलाइन में किसी भी छात्र को परीक्षा देने से रोकने की बात नहीं कही गई है। इससे पहले इंटर की परीक्षा में जूता और मोजा पहनकर नहीं आने की अनुमति दी गई थी। बता दें कि यह इंटर की परीक्षा के समय ठंड का समय था और एक तरह से सर्दी के मौसम के दौरान इंटर की परीक्षा हुई थी, जिसमें कि बिहार बोर्ड की तरफ से अलग से एक बार फिर से जो है गाइडलाइन जारी करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि आप जूता और मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर आ सकते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा की अगर हम टाइमिंग की बात कर लें तो मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा सभी विषयों के लिए 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की पहली पाली सुबह 9:30 बजे से यानी कि 9:30 से शुरू होगी, जो कि दोपहर के 12:45 तक आयोजित की जाएगी। वहीं अगर हम दूसरी पाली की बात कर लें तो इसकी शुरुआत जो है 1:45 से शुरू होगी। बोर्ड ने यह भी कहा है कि तय समय से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, यानी कि परीक्षार्थियों के लिए यह गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 मिनट पहले परीक्षा शुरू होने से पहले आप जो है अपने सेंटर पर पहुँच जाए। बोर्ड की तरफ से यह भी कहा गया है कि परीक्षा के शुरू से यानी कि 15 मिनट का समय जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र और निर्देश पढ़ने के लिए अलग से दिए जाएंगे। साथ ही साथ विकलांग यानी कि जो दिव्यांग छात्र हैं उनको 20 मिनट का जो है अतिरिक्त समय इस दौरान दिया जाएगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के समय सारणी को अगर हम देख लें तो 17 फरवरी 2022 को गणित की परीक्षा होनी है। वहीं 18 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा होगी, जबकि 19 फरवरी को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होनी है। वहीं 21 फरवरी को इंग्लिश की परीक्षा होगी, जबकि 22 फरवरी को मातृभाषा हिंदी, जिनका उर्दू है उर्दू, बांग्ला और मैथिली जिनकी भाषा है उनको जो है अपने अपने विषय में वो परीक्षा देंगे। 23 फरवरी को द्वितीय भाषा के तहत आने वाले विषय की परीक्षा होगी। वहीं 24 फरवरी को ऐच्छिक विषय के रूप में आने वाले जो विषय हैं इसके तहत उनकी परीक्षा होगी। इसमें आने वाले विषय हैं उच्च गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, संस्कृत, मैथिली, फारसी, अरबी, गृह विज्ञान, संगीत, नृत्य और ललित कला विषय की परीक्षा होनी है। एक तरह से कह लें कि बिहार बोर्ड ने साफ तौर पे गाइडलाइन जारी करते हुए परीक्षाओं के नियंत्रण को लेकर जो है इस तरह की गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कि छात्रों और उनके अभिभावकों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। खास करके कोरोना की अगर हम बात कर लें, जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर के दौरान ही जो है मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं की घोषणा कर दी गई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के गाइडलाइन जो हैं वो जारी किए गए हैं। तीसरी लहर हालांकि बिहार में अभी सामान्य स्थिति में है, लेकिन जिस दौरान ये गाइडलाइन जारी की गई थी उस समय जो है कोरोना अपने पीक पे था। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।